दिल्ली का लोग हैं वो खुली सांस ले नहीं पा रहे हैं, इतना हमारे को दिक्कत हो रहा है सुबह। ये तो है कि हम लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन इसमें जो है इतना पोल्यूशन हो रखा है कि हम घर से निकलते तो सांस ले नहीं पा रहे हैं, और घर के अंदर है तो मतलब दरवाज़ा वगैरह बंद करके रहना पड़ता है। और जो है हम लोग घर पे भी जो हवा साफ करने वाले जो क्लीनर है वो भी लगाना पड़ता है, इसे बहुत दिक्कत है। मतलब रोड पे जाओ तो वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी इतना पोल्यूशन है, वो सब बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। सुबह सुबह निकलो तो सांस ले नहीं पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कैसे खुली हवा हमारे को मिले, ये है, बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें। ठीक है, जैसे कोविड भी चल रहा है और पोल्यूशन भी एक साथ ही आ गया है, तो कितना मुश्किल हो जाता है अस्थमेटिक लोगों के लिए जिनको सांस की दिक्कत है, उनको डॉक्टर एडवाइस करता है कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, बाहर जाइए, उनके लिए कितनी परेशानी उन वो लोग तो आ नहीं पाते हैं, वो लोग आ नहीं पाते, उनके लिए सबसे बड़ा परेशानी है। हम लोग भी आ रहे हैं तो मतलब सोच सोच हमारे को सुबह सोचना पड़ता है कि हम लोग आएंगे नहीं आए, इतना पॉल्यूशन हो रखा है। देखो सारे मतलब देखो तो हर जगह अंधेरे अंधेरे हो रखा है, इतना है कि मतलब 50 मीटर आगे देख नहीं पाते हैं, इतना अभी अभी से इतना पॉल्यूशन हो रखा है कि आगे देखिए, वो तो दिसंबर महीना भी है, जनवरी महीना है, वहाँ पे क्या होगा। और देखिए लॉकडाउन के बाद भी इतना पॉल्यूशन है, मतलब आगे क्या होगा, मतलब यू कैंट इमेजिन। हाँ, प्रदूषण इस टाइम ज़्यादा दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। कुछ दिवाली पे लोगों ने जो बम पटाखे छोड़े हैं उसकी वजह से भी दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा हो गया है। जबकि अपना केजरीवाल जी ने कहा जी आतिशबाजी मत छोड़ो, पब्लिक नहीं मान के दी, उससे प्रदूषण और ज़्यादा हो गया। कुछ पहले भी प्रदूषण था। ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ हाँ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, हाँ हाँ, पार्क में देखा गया है कि उनमें बहुत कमी हो, हाँ हाँ, पार्क में इस टाइम लोग कम आ रहे हैं, बुजुर्ग आदमी हो सांस लेने में दिक्कत आ रही है इस टाइम। उस प्रदूषण को देखा जाए किस तरह से कैसे ठीक होएगा। पब्लिक की बहुत योगदान की बहुत जरूरत है। हाँ, पब्लिक नहीं मान रही, पब्लिक मैन जो है कहना नहीं मान रही, जबकि अपने पीएम ने भी बोला था आतिशबाजी के लिए, जब भी पब्लिक ने नहीं माना, उससे प्रदूषण का वो जो है लेवल ऊपर बढ़ गया। पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली में हमेशा से रही, इस बार भी समस्या रही, क्या क्या आपको झेलना पड़ा और क्या क्या परेशानियाँ? परेशानी यही है कि आँखों में जलन है, स्किन प्रॉब्लम है, आप अस्थमा सांस वालों के लिए दिक्कत है, आप वॉक पे नहीं जा सकते, आप कहीं जा नहीं सकते, हर तरह से बीमारियों का दिक्कत है। अब ये 2-3 दिन से थोड़ा सा पोल्यूशन में 19-20 सुधार हुआ है, नहीं तो ग्रेविटी तो उसका एयर पोल्यूशन का 400 से ऊपर ही चल रहा है, 450 से ऊपर, इस पूरे 3-4 महीने तो बिल्कुल ही, जब से पराली वगैरह जलाई गई है या जैसे भी लगा लो आप, तो इन चीज़ों में अब 1-2 दिन से कुछ 19-20 सुधार है, नहीं तो बहुत बुरा हाल था पोल्यूशन का तो दिल्ली से। अब यही है कि इसका सुधार क्या करते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारे अपने मेजर्स ले रही है, रेड लाइट पे वो बंद करना, इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा बैन करना, ये सब, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने वाला है? इन चीज़ों से तो 1 पॉइंट ही फ़र्क पड़ सकता है, पड़ेगा तो सही, खैर ऐसी बात नहीं है, फ़र्क तो पड़ता ही है, लेकिन 1 पॉइंट फ़र्क है, और उसमें भी पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती रेड लाइट पे गाड़ियाँ ऑफ करवा रहे हैं, बोर्ड लगा के खड़े हुए हैं बंदे, लेकिन फिर भी 50% लोग नहीं कर रहे हैं ऑफ। हमने खुद देखा रेड लाइट पे, हम भी ट्रैवल करते हैं, वो बेचारे आके खुद बोलते हैं कि भाई बंद करो आप गाड़ियाँ, बोर्ड लगा के खड़े हैं 4-4, 5-5 बंदे, तो इस चीज़ का तो ये है कि पब्लिक को खुद जागरूक होना पड़ेगा थोड़ा सा, खाली सरकार से भी बात नहीं बनेगी ना। बिल्कुल, और ये जो हर साल की प्रॉब्लम है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये बार बार ना हो, क्योंकि बार बार होगा तो हमारे ऊपर भी कुछ होना तो चाहिए। अब इसमें मेन चीज़ वो पराली को दुश्मन दिखा रहे हैं कि भाई पराली जलाई जा रही है उससे पोल्यूशन होता है, लेकिन ये तो पराली से पहले से ही हो रहा है पोल्यूशन, तो ये तो पराली तो अभी हद मार के 15-20 दिनों से जल रही है, पोल्यूशन तो पिछले 3 महीने से चल ही रहा है रेगुलर, 2-3 महीने से तो रेगुलर, जबकि लॉकडाउन था, इतना ट्रैवल नहीं था लोग बागों का कि भाई आप बोल सकते हैं कि ट्रैफिक पोल्यूशन था या ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो अब 2-3 महीनों से ही ट्रैफिक खुला है इतना ज़्यादा, नहीं तो लॉकडाउन के दौरान तो 10% भी ट्रैफिक नहीं था सड़कों पर, और उस दौरान एयर क्वालिटी भी अच्छी थी। बिल्कुल सही। लेकिन जब से बाजारे खुले हैं, ट्रैफिक चल गया है, अब पराली जल रही है, ये होता है इन्हीं 3-4 महीनों में ही है, हर साल का यही 3-4 महीने का रेगुलर है इनका कि भाई आप अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त के बाद चालू हो जाता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने तो
दिसंबर में जाके थोड़ा ठंड की वजह से एयर क्वालिटी में थोड़ा फर्क आ जाता है कि भाई ओस टपकती है, उससे थोड़ा पोल्यूशन झड़ जाता है। नहीं तो अभी दो दिन पहले तक भी ओस नहीं थी पार्क में बिल्कुल भी। ये कल थोड़ा सा इन पे थोड़ा सा लगा है कि हाँ भाई ओस गिर रही है, नहीं तो बहुत बुरा हाल है। पोल्यूशन की मार दिल्ली वाले झूल रहे हैं कुछ दिनों से, हर साल की यही प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई जब आप घर से बाहर आते हैं या मॉर्निंग वॉक पर? नहीं, अभी पोल्यूशन तो कुछ दिन पहले जो है, कुछ हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा थी, बाहर निकलने पर आँखों में जलन भी होती थी। अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ लास्ट वीक से थोड़ा कम है, बट है ये। ये पोल्यूशन जो है कोविड से हम लोग पहले ही लड़ रहे हैं, सारे लोग लड़ रहे हैं, दूसरा पोल्यूशन और आ गया तो कितना मुश्किल हो जाएगा अस्थमा के पेशेंट्स के लिए और जो कोविड रिकवर्ड हो गए हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड सिम्टम्स भी आते हैं, कोविड से ठीक होने के बाद भी लोगों को परेशानियाँ आती हैं। वही डॉक्टर एडवाइस करता है कि आपको बाहर निकलना है, फ्रेश एयर लेनी है, तो कितना उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है कि पहले हम लोग रेगुलर वॉकिंग करते थे, अब कोविड वगैरह इस वजह डॉक्टर वगैरह की जो भी एडवाइस है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से ही कोई डायबिटीज वगैरह के पेशेंट हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। कोविड का तो उतना नहीं पड़ा, बट जिनका ऑलरेडी पहले डायबिटीज या उसका बीपी वगैरह के पेशेंट थे उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। सपोज मैं ही एक डायबिटीज़ वगैरह का पेशेंट हूँ, बीपी के पेशेंट हूँ, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा कि बाहर नहीं निकलता था, इसकी वजह से धीरे धीरे डायबिटीज़ और बढ़ती गई, इरेगुलर होता गया, मैं बहुत ही मार झेल रहा हूँ इसका। ये है, आपको लगता है कुछ होना चाहिए ऐसा कि ये पॉल्यूशन की समस्या ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर साल यही हम लोगों को झेलना पड़ता है? नहीं, गवर्नमेंट थोड़ा इस पर कर रही है, लेकिन लोगों को बाहर भी निकलना है अपने जो भी रोटी रोजी के लिए, वो भी ज़रूरी है, तो उसकी वजह से बाहर तो पहले से जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी भी मार झेल रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी बाहर निकलना नहीं चाहती है, लेकिन अपनी जो ज़रूरत है उसके हिसाब से निकलना मजबूरी है, इसलिए निकलना पड़ा। कुछ दिनों से हम लोग फेस कर रहे हैं पॉल्यूशन की प्रॉब्लम, आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी आते हैं तो आपको पता चला होगा, तो आपको क्या क्या दिक्कतें हुई जब घर से बाहर निकले, काम पे निकले या मॉर्निंग वॉक पे निकले? मतलब हम काम पे तो जाते नहीं, लेकिन जब हम सुबह सुबह पार्क आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी धुंध होती है और धुंध बहुत टाइम तक रहती है। अभी फिलहाल थोड़ा कम हुआ है, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा था, और जब हम आते थे तो मतलब लगता नहीं, फिर हम जब हम एक्सरसाइज करते थे तो हम ऊपर भी नहीं देख सकते क्योंकि आँखों पर प्रेशर पड़ता था, तो हम ऊपर भी नहीं देख सकते क्योंकि आँखों को नुकसान तो करेंगे नहीं, बिल्कुल, तो इस वजह से। तो देखिए पॉल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत पहले से रह चुकी है, अब हम लोग कोविड को भी झेल रहे हैं इतने दिनों से, और पॉल्यूशन भी एकदम पॉल्यूशन का जड़ तो हम ही है ना, तो हम ही लोग तो ये सब कर रहे हैं ना। मेरा मानना है कि जो कोविड है ना वो गलती भी वो सब हमारी ही है, जो कोविड आया किस वजह से आया, ज़्यादातर गंद की वजह से, मुझे पता है चाइना से आया है, बट फैलाने में भी हम सब का पूरा हाथ है, ज़रूरी नहीं चाइना वाले ही हूँ, सब चाइना वालों को बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, हम सबका भी पूरा हाथ है, ज़रूरी नहीं चाइना से है, चाइना से आया है, लेकिन यहाँ पे क्यों फैल रहा है फिर? बाई चांस चलो लोग आए, बट इतना तो नहीं फैलेगा क्योंकि वहाँ से क्वारंटीन होके आए थे वो, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अस्थमा के प्रॉब्लम जिनको होगी, तो अस्थमा की प्रॉब्लम पॉल्यूशन की वजह से भी और बढ़ेगी, क्योंकि हम सांस, क्योंकि जिसको अस्थमा है वो सांस ही नहीं ले पाएगा, इतनी इतना इतना जहरीला जो ये चल रहा है प्रदूषण उस वजह से। और ये दीपावली हुई थी, दीपावली पे पटाखे भी बनते पर फिर भी लोगों ने फोड़े, फोड़े, तो उससे भी और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ा है। ठीक है, आपको लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये पॉल्यूशन की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर साल ये आती है और हम लोग के लिए दिक्कत है? पॉल्यूशन की जो जड़ की समस्या वो हम ही लोग कम कर सकते हैं ना, अगर क्योंकि आज हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि अब जो हर माँ बाप है वो चाहते हैं उसका बच्चा पढ़े और उसका बच्चा अच्छा ज्ञान ले, लेकिन कभी कभी जैसे मान लो अभी दीपावली है, जो पढ़े लिखे माँ बाप भी होते हैं ना वो अपने बच्चों को पटाखे देते हैं, फोड़ो दीपावली, ज़रूरी नहीं है कि पटाखे फोड़ के ही दीपावली बनाओ, अरे जो तुम पैसा उस पटाखे में फोड़ रहे हो जो बर्बाद हो रहे हैं उस पैसे को किसी गरीब किसी संस्था में इस्तेमाल करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो हम इसको भी खुद ही से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, मेरा ये मानना है।